वेलकम ऑल स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू रीडिंग योर चैप्टर द मिडनाइट विजिटर। वी वर हियर ऑन पेज नंबर 18। मैक्स वॉज स्लेंडर ए लिटल लेस देन टॉल। मैक्स कौन है? ही इज ऑल्सो ए सीक्रेट एजेंट हु केम इन अजेबल्स रूम टू स्नैच पेपर कंसर्निंग मिसाइल प्रोग्राम। मैक्स है वो अजेबल के रूम के अंदर मिसाइल से संबंधित कागज है वो पिस्टोल के बल के ऊपर छीनने के लिए आया हुआ है। तो मैक्स कैसा व्यक्ति है? मैक्स वो स्लेंडर होता है, छोटे कद का है, ए लिटल लेस देन टॉल, थोड़ा देख मतलब उसकी हाइट है वो कम है लेकिन पतला सा व्यक्ति है। लेस देन टॉल विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेंस ऑफ ए फॉक्स। और वो देखने के अंदर एक लोमड़ी की शक्ल का सा उसका चेहरा है। देर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मेनेंसिंग। कहता है कि उसके हाथ में केवल गन थी, बंदूक थी या पिस्टल था, उसके अलावा उसके अंदर कोई भी चीज है वो डरावनी प्रतीत नहीं हो रही थी। तो वो देखने में डरावना नहीं था, बस उसकी पिस्तौल है वो डरावनी थी। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, ही आ रहा है मैक्स के लिए, तो उसने कहा वो रिपोर्ट दे दो मुझे। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। कहते हैं वो मिसाइल प्रोग्राम से संबंधित जो रिपोर्ट है वो कहाँ है? आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू। मैंने सोचा था कि ये रिपोर्ट मैं आपसे ले लूंगा। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन यूर्स। और ये जो रिपोर्ट है वो आपके हाथों की बजाय मेरे हाथों में ज्यादा सुरक्षित होगी। अजेबल मूव टू दी आर्म चेयर। इस बात को सुनकर के अजेबल है वो आर्म चेयर होता है कुर्सी जिसकी बाजू होती है जिसके ऊपर हम हाथ रखते हैं, उसके ऊपर बैठ गया। एंड सेट डाउन हैविली, और उसके ऊपर जोर से बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। वो ये कहता है कि मैं इस बार है वो मैनेजमेंट जो होटल की है, प्रबंध करने वाले प्रबंधक है होटल का, उसके साथ बात करने वाला हूं। एंड यू कैन बैट ऑन इट, और आप मेरे से शर्त लगा सकते हो। ही सैड ग्रिमली, दिस इज द सेकेंड टाइम इन ए मंथ दैट समबडी हैज गॉट इन टू माई रूम, कि दूसरी बार मंथ के अंदर मेरे रूम में कोई आया है। दो दैट न्यूएंस इज ए बालकोनी, हालांकि ये जो बालकोनी है, बालकोनी जो परेशानी पैदा करती है उसके थ्रू उसकी सहायता से आया है। फोलर्स आईज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। इसी दौरान फोलर है वो खिड़की थी एक ही रूम के अंदर उसकी तरफ देखने लगा। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, ये देखने में आम सी खिड़की थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, और बाहर है वो बिल्कुल अंधेरा है, वो इस खिड़की के बाहर अंधेरा दिखाई दे रहा था। बालकोनी, मैक्स सेड, मैक्स ने कहा कि बालकोनी भी है, कहाँ है बालकोनी? विद ए राइजिंग इन्फ्लेक्शन उसने जोर देते हुए बोला, नो ए पास की, आई डिडेंट नो अबाउट द बालकोनी। कहता हूं ये सेंटेंस है वो बहुत जरूरी है इसके अंदर, कि पास की सहायता से मैं तो अंदर आया हूं, मुझे एक डुप्लीकेट पास की है उसको बनवाना पड़ा, लेना पड़ा। अगर बालकोनी होती तो मैं बालकोनी से बड़े आराम से आपके रूम में आ सकता था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, और अगर मुझे पता होता तो मेरे को जो परेशानी पास की को लेने में हुई है उसको लेने की जरूरत नहीं पड़ती और मेरे को ज्यादा समस्या ना होती। इट इज नॉट माई बालकोनी, अजेबल सैड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। अजेबल ने कहा कि मेरे रूम की बालकोनी नहीं है, उसने चिढ़ते हुए बोला। इट बिलोंग टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये अगले अपार्टमेंट की बालकोनी है। इट ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरी एट ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरली एट फोलर, उसने फोलर की तरफ देखा। यू सी ही सैड, दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट, उसने कहा कि ये जो कमरा है इसके आसपास ये दूसरे जो रूम्स हैं उनका भी एक हिस्सा है। एंड द नेक्स्ट रूम, अगले रूम का भी हिस्सा है। थ्रो दैट डोर देयर यूज टू बी द लिविंग रूम, और इसके अंदर एक लिविंग रूम भी है। इट हैड द बालकोनी विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, कहता है इसकी एक बालकोनी है जो कि विंडो के नीचे तक आती है। यू कैन गेट ऑन टू इट, तुम उसके ऊपर पहुंच सकते हो फ्रॉम द एम्प्टी रूम
टू डोर्स डाउन, दो दरवाजे नीचे खाली कमरे से वहां आप पहुंच सकते हो। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और ऐसा ही किसी व्यक्ति ने पिछले मंथ भी किया। समबडी का मतलब किसी व्यक्ति ने। दैट मैनेजमेंट प्रोमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, और मैनेजमेंट ने कहा था कि हम इसको बंद करवा देंगे, बट दे हैव नॉट, लेकिन मैनेजमेंट ने उसको बंद नहीं करवाया है। मैक्स ग्लैंस एट फोलर, मैक्स है वो फोलर की तरफ देखता है। हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम अजेबल, जो कि अजेबल से ज्यादा दूर नहीं खड़ा था। एंड वेव्ड द गन विद ए कमांडिंग जेस्चर, और उसने अपनी गन को, अपनी बंदूक को, पिस्टल को उसने कमांडिंग जेस्चर के साथ इशारा करते हुए उनको बोला, प्लीज सिट डाउन, कृपा करके बैठ जाओ। ही सेड वी हैव ए वेट ऑफ हाफ एन आवर, आई थिंक हमें आधे घंटे तक वो जो मिसाइल प्रोग्राम है उसका वेट करना पड़ेगा, वो कागज है उनका वेट करना पड़ेगा। 31 मिनट्स, अजेबल सेड मूडली, अजेबल ने कहा कि हमें अभी 31 मिनट और वेट करना होगा। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, 12:30 वो कागज आने थे। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, और मैं जानना चाहता हूं कि वो रिपोर्ट मेरे पास आ रही है, ये आपको कैसे पता चला। द लिटल स्पाई स्माइल्ड इविली, कहता है वो जो लिटिल स्पाई कौन है, मैक्स, मैक्स है वो हंसने लगता है आगे से, भद्दे तरीके से हंसने लगता है। इविल होता है बुरा, बुरे तरीके से हंसता है वो। एंड वी विश वी नो हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, और वो ये आगे से कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला, बट नो हार्म हैज बीन डन, कोई बात नहीं, आई विल गेट इट बैक टू नाइट, ये रिपोर्ट अब मेरे पास आ जाएगी। What is that? Who is at the door? और इस दौरान मैक्स कहता है कि दरवाजे के ऊपर ये आवाज किसकी है, दरवाजे पर कौन है। तो ये जो दरवाजे की जो खड़कने की आवाज है, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि वास्तव में दरवाजा कौन खटखटाता है और फिर उसके बाद है वो क्या होता है। तो आई होप दैट यू विल रीड दिस चैप्टर।